तो हेलो गाइस, तो आज देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर, जो कि आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था गाइस पर मैग्नोमेट्री और सेरोमेट्री, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और ये जो वीडियो है ना उससे 10 गुना इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक, यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं आपके, 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी एक बनता है और 2 मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सारा कुछ बताया जाएगा, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनके बेहतरीन नोट्स अभी तक गुड टेक्सचर आपको मिल जाएगा गाइस, बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक, डिस्क्रिप्शन के अंदर डाउनलोड पीडीएफ, मतलब पीडीएफ नोट्स कह के रहेगा, डायरेक्ट आप उसको उस लिंक को क्लिक कीजिए और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। यस, फर्स्ट वन इज आयोडोमेट्री गाइस, आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री होता क्या है? आयोडीमेट्री इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टाइट्रेशन। आप यहाँ इतना याद रखना है, एक है हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन और एक है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। ठीक, आयोडीमेट्री इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टाइट्रेशन, इट इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। यस, दीज आर द टाइट्रेशंस इन विच फ्री आयोडीन इज यूज। यहाँ डायरेक्टली हम आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, डायरेक्टली आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमें क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं आयोडीमेट्री, क्योंकि यहाँ आयोडीन डायरेक्टली इस्तेमाल होगा। देखिए, आप एक ट्रिक याद रख लीजिए, आयोडी मतलब यहाँ आय है, तो आय का डायरेक्ट इस्तेमाल होना, मतलब आयोडीन का डायरेक्ट इस्तेमाल होना। यहाँ देखिए IODO, ओ है, मतलब इस डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होना आयोडीन का, इनडायरेक्ट होना, इसको हम आयोडो कहते हैं। अगर डायरेक्ट हो गया तो आयोडीमेट्री कहते हैं। ठीक, आपको इतना याद रखना है, जो किस तरीके से डायरेक्ट होगा मैं आपको आगे बताऊंगा गाइस। बहुत ही सिंपल है, यहाँ देखिए आप, यहाँ हो रहा हो, होता क्या है गाइस, आयोडीन जो है ना, देखिए आयोडीन मेड टू रिएक्ट विद सोडियम थायोसल्फाइड। यहाँ आयोडीन जो है ना डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है सोडियम थायोसल्फाइड के साथ टू लीड सोडियम आयोडाइड। ठीक, इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टाइट्रेशन कहते हैं। द टाइट्रेशन इन विच स्टैंडर्ड आयोडीन सोल्यूशन इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सोडियम थायोसल्फेट। ओके, सोडियम थायोसल्फाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका हम क्या करना है गाइस, इसका असे का इसको फाइंड करना है, मतलब इसको डिटरमाइन किया जाता है, किससे, बाय दिस आयोडीमेट्री, आयोडीन से, इसे हम क्या कहते हैं, आयोडीमेट्री कहते हैं। ओके, डिटरमिनेशन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सोडियम थायोसल्फाइड बाय यूजिंग आयोडीन सोल्यूशन, मतलब स्टैंडर्ड आयोडीन सोल्यूशन। एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम ब्लू टू कलर। यहाँ होता क्या है गाइस, ब्लू से कलरलेस को चेंज होता है, क्योंकि वो किस तरीके से चेंज होता है मैं आपको बताऊंगा। ये सिंपल देखिए, व्हेन आयोडीन, आई टू को हम क्या कहते हैं, आयोडीन कहते हैं। जब आयोडीन आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट होता है, इसका मेन बेसिक प्रिंसिपल होता क्या है गाइस, आयोडीन जो है ना आयोडाइड पर कन्वर्ट होता है, यही इसका प्रिंसिपल है ना। आयोडीन हम कन्वर्ट करेंगे आयोडाइड को साथ, आयोडाइड इनिशियली वो ब्लू कलर में रहेगा और उसको उस किस में टर्न करना है हमें, उसको कलरलेस के अंदर टर्न करना है। यहाँ यही है हमारा एंड पॉइंट, प्रिंसिपल देखते गाइस। इन दिस अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ द आयोडीन ओके एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट सच एज सोडियम थायोसल्फेट एंड आर्सेनिक आर्सेनियस एसिड H2SO3। मतलब इन रिड्यूसिंग एजेंट के प्रॉपर्टी या उनके असे को डिटरमाइन करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम थायोसल्फाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला N2S2O3। आर्सेनियस एसिड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2ASO3। ठीक, इसी को डिटरमाइन किया जाता है ना। एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टार्च इंडिकेटर एज कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। कलर कहां से कहां चेंज हो जाएगा, कलर ब्लू से कलरलेस को चेंज हो जाएगा, मतलब इनिशियली ये जो है ना हमारा आयोडाइड, ये किस ये आयोडाइड जो है ना, ये कलर ब्लू कलर के अंदर रहता है और इस आयोडाइड को हम क्या करना है, कलरलेस तक ले जाना है। किस तरीके से कलरलेस तक ले जाएंगे, मतलब टाइट्रेट हम ऐड करते रहना है जब तक कलरलेस नहीं आ जाता। अगर कलरलेस आ गया तो वही हमारा क्या है, वही हमारा एंड पॉइंट है। ठीक, बहुत सारा बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है। प्रोसीजर देखते हैं गाइस। फर्स्टली वी टेक आयोडीन मतलब I2 इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड मिक्स विद द पोटेशियम आयोडाइड ओके, इसे हम KI कहते हैं। देन मेक अप द वॉल्यूम बाय एडिंग वाटर। ठीक, सबसे पहले हम करते क्या है, कोनिकल फ्लास्क के अंदर आयोडीन लिया जाएगा। ठीक,
देन उसके बाद हमको पोटेशियम आयोडाइड को डालना है और वॉल्यूम मेकअप करने के लिए हम वाटर डालना है। उसके बाद में स्टार्च एज एन इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, इंडिकेटर स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ गाइस अब देखिए, नाउ एड स्टार्च एज एन इंडिकेटर, नाउ दिस स्टार्च इंडिकेटर मेक आयोडीन स्टार्च सोल्यूशन विच अपियर्स ब्लू कलर। स्टार्च इंडिकेटर हम जब डालेंगे ना क्या होगा गाइस, स्टार्च इंडिकेटर हम जब डालेंगे ना कोनिकल फ्लास्क पर, स्टार्च क्या करेगा, आयोडीन के साथ कंबाइन हो जाएगा। जब स्टार्च और आयोडीन दोनों कंबाइन होंगे, मतलब दोनों का मिलन होगा, तो वो हो जाएगा ब्लू कलर, हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर। ओके, नाउ दिस सोल्यूशन इज देन टाइट्रेटेड अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फाइड। यही सोल्यूशन को हम क्या करना है, सोडियम थायोसल्फाइड के साथ टाइट्रेट करना है। मतलब ये जो हम ब्यूरेट के अंदर ले रहे हैं ना, ये सोडियम थायोसल्फेट है जो कि N2S2O3। ओके, ये सोडियम थायोसल्फाइड ब्यूरेट के अंदर हमें लेना है, जो कि हमारा एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ठीक, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। नाउ नेक्स्ट गाइज होता क्या है, नाउ दिस स्टार सोल्यूशन मेक आयोडीन सोल्यूशन विच अपीयर्स ब्लू कलर, ठीक, हाँ यहाँ पर। ओके, सोडियम थायोसल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट दैट फिल्ड इन ब्यूरेट। ओके, अब रिएक्शन देखते हैं। देखिए जब आयोडीन, ठीक है, इसको I2 को आयोडीन कहते हैं, जब आयोडीन रिएक्ट करेगा सोडियम थायोसल्फेट के साथ, तो हमें मिलना है सोडियम आयोडाइड विद Na2S4O6। ठीक, मैंने आपको बताया था आयोडीन जो है ना वो कन्वर्ट होगा आयोडाइड के अंदर। जस्ट पीछे आप चले जाइए, इधर देखिए, ये हमारा क्या है, ये आयोडीन है, आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो है हमारा सारा कुछ। तो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो कि नाउ ड्यूरिंग अ टाइट्रेशन व्हेन ऑल द आयोडीन इज यूज्ड विद द सोडियम थायोसल्फाइड। जब टाइट्रेशन चल रहा था हमारा, टाइट्रेशन के अंदर पूरा अगर आयोडीन पूरा इस्तेमाल हो गया सोडियम थायोसल्फाइड के साथ, ठीक, वही कह रहे हैं ना, आयोडीन इज यूज्ड विद सोडियम थायोसल्फाइड From iodine starch complex, the blue color starts disappearing and the end point becomes colorless. देखिए जब हमारा आयोडीन, ठीक है, कंबाइन हो जाएगा Na2S2O3 के साथ, मतलब सोडियम थायोसल्फाइड के साथ, ये इतना कंबाइन हो जाएगा, मतलब ये खाली हो जाएगा, मतलब वो टोटली खाली, अगर खाली हो गया तो आयोडीन क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो है ना सोल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि पूरा आयोडीन के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सारे मॉलिक्यूल्स Na2S2O3 के साथ बाइंड कर गए। अगर ये सारे मॉलिक्यूल्स Na2S2O3 के साथ बाइंड कर गए तो क्या होगा, तो सोल्यूशन तो कलरलेस हो ही जाएगा। अभी कलर किस लिए हो रहा था, बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द आयोडीन विद द स्टार्च इंडिकेटर। अभी आयोडीन हट गया, मतलब Na2S2O3 के साथ मिल गया, तो कैसे कलर रहेगा, ब्लू कलर, तो डिसअपीयर हो जाएगा कलरलेस के अंदर। यही तो है केमिस्ट्री। तो एप्लीकेशंस की बात करें तो गाइस इट इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट के डिटरमिनेशन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ये हमारा डायग्राम है, ये आपको सब कुछ लिखना है, ठीक है, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है आयोडोमेट्री। क्या है, आयोडोमेट्री, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, यहाँ देखिए, यहाँ आयोडो है मतलब ओ है, ओ है मतलब यहाँ क्या होगा, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है। ओके, आयोडीन यहाँ डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक। आयोडोमेट्री इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, इट इज अ टाइप ऑफ रॉक्स टाइट्रेशन, दीज आर द टाइट्रेशन इन विच लिबरेटेड आयोडीन इज यूज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस तरीके का आयोडीन इस्तेमाल हो रहा है, लिबरेटेड आयोडीन। अभी यहाँ देखिए, ये वाला है हमारा लिबरेटेड आयोडीन, इसी आयोडीन का हम इस्तेमाल करेंगे, इसको आप याद रखना, ये है हमारा लिबरेटेड आयोडीन, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। बताऊंगा आगे, when a standard solution of the sodium thiosulfide is used for the determination of the liberated iodine, okay, using starch as an indicator, इसको हम क्या कहते हैं, आयोडोमेट्री कहते हैं। ओके, यहाँ होता क्या है गाइस, जब हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन दैट इज सोडियम थायोसल्फाइड जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, डिटरमाइन करने के लिए, किसको, आयोडीन को, ओके, यूजिंग स्टार्च एज एन इंडिकेटर, इसी को हम क्या कहते हैं, आयोडोमेट्री कहते हैं। यहाँ एक अजूबा है गाइस, यहाँ जो है ना आयोडीन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, उसके बाद मतलब यहाँ जो है ना ये आयोडोमेट्री है ना, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है ना आयोडीन को ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसके बाद में रिड्यूस किया जाता है, ठीक। देखिए, आयोडाइड गेट कन्वर्ट टू द आयोडीन प्रिंसिपल इन दिस स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ द सोडियम थायोसल्फेट, ठीक, सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द लिबरेटेड आयोडीन, liberated iodine from potassium iodate, that is Ki,
के आई जब रिएक्ट करेगा ना तो वो लिबरेट करेगा आयोडीन को, इसी को मतलब यही आयोडीन को हम क्या करना है, डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है, आगे पता चलेगा आपको। देन दिस आयोडीन मेक कॉम्प्लेक्स विथ स्टार्च सॉल्यूशन एंड अपीयर्स ब्लू कलर। यही आयोडीन क्या होगा, ब्लू कलर दिखाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, यही आयोडीन हमारा क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा स्टार्च के साथ। ठीक, प्रोसीजर देखिए, सब सारा को समझ में आ जाएगा। फर्स्टली टेक पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, के आई हमने ले लिया। देन इन अ फ्लास्क इन एक्सेस अमाउंट, यहाँ के आई एक्सेस अमाउंट के अंदर लिया जाता है। देन एड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है, विच रिएक्ट विद द के आई। ये मैंगनीज ऑक्साइड के आई के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम, दैट इज H2SO4, विच लिबरेट आयोडीन। देखिए, जब मैंगनीज ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, तब हमें एक आयोडीन फॉर्म होगा, इसी को हम कहते हैं लिबरेटेड आयोडीन। ओके, इसीलिए यहाँ देखिए, या अगर आयोडीन हम डायरेक्ट यहाँ इस्तेमाल करते थे तो उसको आयोडीमेट्री कहा जाता था, यहाँ डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है आयोडीन का, यहाँ हमको प्रोडक्ट से आयोडीन को सबसे पहले हमको रेडी करना है, सिंथेसाइज करना है, उसके बाद में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, इतना समझिए आप। एंड देन एड स्टार्च सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर विच फॉर्म्स स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्लू कलर। जब हम स्टार्च ऐड करेंगे, देखिए, जब हम यहाँ स्टार्च ऐड करेंगे तब क्या होगा, आयोडीन और स्टार्च दोनों का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, दोनों का कॉम्प्लेक्स मिलके ब्लू कलर में वो बना देंगे, मैंने आपको कहा था ब्लू कलर वो बन जाएगा। दिस आयोडीन इज ए टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड थायोसल्फाइड, जो कि एक स्टैंडर्ड है, दैट इज सोडियम थायोसल्फाइड, लो आप ये स्टैंडर्ड थायोसल्फाइड के साथ हमें टाइट्रेट करना है। ओके, फिल्ड इन द ब्यूरेट विच कन्वर्स दिस वाला आयोडीन इंटू आयोडाइड, आयोडीन को आयोडाइड पर कन्वर्ट किया जाएगा विद द टाइट्रेटिंग विद द सोडियम थायोसल्फेट। यहाँ देखिए, यहाँ आयोडीन और स्टार्च लिया जा रहा है, यहाँ थायोसल्फाइड लिया जा रहा है, जब इसको टाइट्रेट करेंगे तो क्या होगा गाइस, ये हमारा जो आयोडीन रहेगा ना, ये आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यस, कन्वर्ट टू द आयोडाइड। देन आफ्टर यूजिंग ऑल द आयोडीन कलर, सेम सारा कुछ वही लिखना है, जब आयोडीन मतलब सारे आयोडीन जब सोडियम थायोसल्फेट के साथ मिल जाएंगे तो क्या होगा, कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस, दिस इंडिकेट द एंड पॉइंट। ठीक है, जब आयोडीन हमारा सारे आयोडीन जब सोडियम थायोसल्फेट या थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट कर देंगे तो क्या होगा, तब हमारा कलर जो है ना आयोडीन का कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, बस एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए। एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अननोन आयोडीन सोल्यूशन, इट इज यूज इन द एनालिसिस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक, देन ये देखिए, ये हमारा मतलब ब्यूरेट के अंदर थायोसल्फाइड लेना है हमें, कॉनिकल फ्लास्क या आयोडीन फ्लास्क के अंदर हमको आयोडीन लेना है, और स्टार्च एज एन इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, मेजर डिफरेंस बिटवीन आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, आयोडीमेट्री के अंदर हम यहाँ डायरेक्ट होता है टाइट्रेशन, मतलब इट इज टेकन डायरेक्टली इन एनालिसिस, सब डायरेक्टली हम लेते हैं एनालिसिस के अंदर। ओके, अभी किस तरीके से डायरेक्टली लेता मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए गाइस, यहाँ डायरेक्टली आयोडीन का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, यहाँ आयोडीन हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करा जा रहा है। बट यहाँ आयोडोमेट्री के अंदर हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर रहे आयोडीन को, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेके मैंगनीज को रिएक्ट करके हम आयोडीन को फॉर्म कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। ये जो लिबरेटेड आयोडीन है ना, इसको हम लेकर सोडियम थायोसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक, इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं, आयोडीन इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, इसे हम डायरेक्ट टाइट्रेशन कहते हैं, इसे हम इनडायरेक्ट टाइट्रेशन कहते हैं। अब इसे किस लिए कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं आपको बताया हूँ, ओनली वन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक, यहाँ टू रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ओके, सबसे पहले क्या होगा, हमको आयोडीन को प्रोड्यूस करना है, देन वो जो लिबरेटेड वाला आयोडीन है ना, उस आयोडीन को हम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करना है। ठीक, इसलिए दो रेडॉक्स रिएक्शन, आयोडीन ओनली गेट्स रिड्यूस, यहाँ आयोडीन सबसे पहले हम ऑक्सीडाइज करना है, देन गेट रिड्यूस, ये लेस कॉमन मेथड है, और ये हमारा आयोडोमेट्री मेथड जो है ना वो मोर कॉमन मेथड है, जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज, ये हो गया हमारा आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के अंदर। गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना। ठीक,
और एक बात गाइस, देखिए आप मेहनत कीजिए, अगर मेहनत से पढ़ोगे आपको सफलता मिलेगी, 100% मिल जाएगी। तो मेहनत जरूरी है, मेहनत कीजिए और बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइए, लाइक भी जरूर करें। किसी भी का डाउट हो इस टॉपिक पर आप कमेंट पर लिख दीजिए, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।